वेलकम टू एसएससी मंडी जी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा हर दिन कोई ना कोई नया नोटिस निकाला जा रहा है और इसी के साथ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक और नोटिस जारी कर दिया गया है और आपको एक छोटी सी गलती बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है और इसके अलावा आपको दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा। जो एसएससी ये स्ट्रिक्ट कदम उठा रहा है इससे आपको थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा हम ये भी मान सकते हैं कि इस कोर्ट केस और हमारे प्रोटेस्ट ने एसएससी को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना दिया है। और ये जो अपडेट दिए एसएससी ने, इसका 2017 से किस तरह से संबंध है इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आपको पता है कि जो उस तरह की बम्पर वैकेंसीज आ चुकी हैं रेलवे और एसएससी में, लगभग 2 महीने बाद बैक टू बैक एसएससी के सारे एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस हर एक एक महीने लाइन पर है, प्लस इसके बीच में रेलवे एनटीपीसी भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। मतलब 4 एग्जामिनेशन आपके हाथ में, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस और एनटीपीसी। अब इस साल आपको जॉब लेनी ही लेनी है, फिर आप इस साल ये बहाना नहीं बना सकते कि वैकेंसी नहीं आ रही है। और इसी के साथ टीसीएस पैटर्न में अभिनय शर्मा सर का जो एरिथमेटिक का पूरा कोर्स लॉन्च हो चुका है, अन एकेडमी प्लस पर 10% डिस्काउंट पाने के लिए एसएससी मेड आप इस रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ एरिथमेटिक ही नहीं बल्कि आपको जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग पूरी की पूरी फ्री प्रोवाइड की जाएगी इस कोर्स के साथ। आप अनएकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्लस में जाकर एसएससी सीजीएल सेलेक्ट करके इस रेफरल कोड का यूज करने पर जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे उसको 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब बात करते हैं कि एसएससी ने क्या नोटिस पब्लिश किया, लेकिन उसके पहले मैं अगर आपको बताऊं, आप अगर एसएससी सीजीएल 2017 का जब फॉर्म भरे होंगे तो आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने लास्ट डेट थी उसके 2 दिन पहले अप्लाई किया होगा उनका फॉर्म नहीं भरा रहा होगा, क्योंकि साइट में एरर आ रही थी, साइट उतना लोड ले नहीं पा रही थी और बहुत से हजारों लोग कैंडिडेट जो थे वो फॉर्म नहीं भर पाए थे। लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने डेट को फिर बढ़ा दिया था, जिससे जिन लोगों का भी फॉर्म नहीं भराया था उन लोगों ने बाद में फॉर्म जाके भर दिए थे। लेकिन जो एसएससी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग अब एस्पायरिंग कैंडिडेट ऑफ द कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन 2018 आर हियर बाय एडवाइज्ड इन देयर ऑन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट 5/4/2019 एंड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसकनेक्शन एंड इनएबिलिटी टू और फेलर टू लॉग इन द वेबसाइट और ऑन अकाउंट ऑफ हैवी लोड ऑन द वेबसाइट ड्यूरिंग द क्लोजिंग डेट्स। मतलब कहा गया है कि 5/4/2019 जो लास्ट डेट है 5 अप्रैल 2019, इसके पहले पहले फॉर्म भर दे। अगर इसके पहले पहले फॉर्म नहीं भरा जाएगा और कोई भी कारण के कारण की वजह से अगर वेबसाइट लोड नहीं ले पाती है और आप फॉर्म भर नहीं सकते लास्ट दिनों में, तो नया जो नई डेट जारी नहीं की जाएगी, जो डेट है उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो जो भी अगर आप किस लोग को आदत होती है लास्ट लास्ट में फॉर्म भरने की, तो लास्ट लास्ट में फॉर्म ना भरें। अब एसएससी नई डेट जारी नहीं करेगा। अब ये पूरी अपडेट से प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।